अर्ज की थी कमली वाले सवास्ते पूछ रहे हैं पहली बार आए हो अगे रात दसन वाला भी कोई नहीं अर्ज की थी कमली वाले मैं भी नाल नहीं जाना पहली बार अबे बंदा भूल भी जाता है इस वास्ते कह रहे हैं लगे जाओगे मेरे आखा ने मुस्कुरा के फरमाया जिब्रील मैं लगा जावांगा फरमाया ए रावा मेरे लिए नबियां कोई नहीं ये सारा कुछ ते मेरे सामने बनया जिब्रील पुछदा मैं बड़ा कि तुसी वड्डे हुजूर ने फरमा पहले तुसी दसो ना तुसी कदों दे हो ते जिब्रील अर्ज की किवें दसा जदों मैं सा उदों ते कुछ भी नहीं सी फिर किवें दसा मैं कदों दा हुजूर जो है सी ओ दस दे मैं फरमा जी अर्ज की या रसूल अल्लाह अल्लाह दे अर्श दे जिहड़े पर्दे सन ना हिजाब उन्हां पर्दियां चों जिहड़ा चौथा हिजाब ते पर्दा सी उस पर्दे ते हिजाब दे अंदर इक सितारा तलू आउंदा सी उस सितारा 70,000 साल के बाद एक मरतबा तलू होता सी ते जिब्रील बड़े नाद ना कह लगा तुहाड़ियां ज़ुल्फां दा सदका नूं मैं 72,000 वारी वेख्या है पढ़े लिखे नौजवान तशरीफ फरमाओ 70,000 नूं 72,000 नाल ज़र्ब दईए ना उस दिन जिब्रील की उम्र 5 अरब ते 4 करोड़ साल बन गई है 5 अरब ते 4 करोड़ साल ते जिब्रील अर्ज करते हैं यार सुल्ला हूँ उम्र का हिसाब आप ही ला लो सैयद आलम मुस्कुरा के फरमावा लगे जे तेनों उस सितारा विखावा तो पहचान जाएगा जिब्रील अर्ज की कमली वाले 2 वारी बंदा वेख्या वे बोलता नहीं तो मैं 72,000 वारी वेख्या है पहली निगाह च पहचान जावांगा अलामा इस्माइल की परमात्मा ने मेरे नबी ने अपनी पेशानी तो मामा हटाया जिब्रील बेखिया रवान रह गए ओ सितारा मेरे नबी दे मथे जे पे चमकदा है कमली वाले आका ने फरमाया वा इज्जत वा पी नजा निकल खो कब फरमा जिब्रील मेनू अपने रब दी इज्जत दी कसम है जेड़ा सितारा तू वेखदा रहया है ओ तारे दा नाम ही मुहम्मद है फरमाया जिब्रील मैं कोई अजदा हो नहीं फरमाया कौन तू नबी है वा आदम बैन अल माई व तीन तर्जमा इंज कर लवा फरमाया जिब्रील मैं कोई अजदा नहीं आदम जे गारे विच सी मुहम्मद उदों भी तारे विच सी आदम जे गारे विच सी ते मुहम्मद उदों भी तारे विच सी फरमाया आदम नु बनान वास्ते अजे फरिश्तिया मिट्टी नहीं सी गोई मैं ते उदों भी नबी सां ते तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोले आज सदके जावां ठंडी जी सुभान अल्लाह तू आ जिहड़ा बेली हाथ नहीं ना चुकदा नाल दा बंदा फड़ के चुके बोलो मैं कोई पहली बार आया यार हेर तुसी मेरे वाकफ ते मैं तुहाडा भेजती हां मैनू पता है तुहानूं मैं कित्थे लैके जाणा मैं अजे तुहानूं महालीमा दे विहड़े तक लैके जाणा है सफर बड़ा दुराडा उच्चा बोलो सुभान अल्लाह मैं तो सिर्फ लफ्ज़ रहमत लिल आलमीन दा जे एक पहलू छेड़े अल्हम्दुलिल्लाह मैं दे मायने अर्ज करा ते कई हज़ार तकरीरां ने दे विच बल्कि इत्थे ते जिंदगियां खत्म होई और कलम टूट गए तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ अल्लाह ने फरमा सुनिया तेनूं रहमत लिल आलमीन बनाया ना रहमत लिल आलमीन आलमीन बाद च बने रहमत मुस्तफा नूं पहले बना दिता आर बेगड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने नूर नबी दा नूर नबी दा ओ उस वेले दा आदम अजे ना होया अव्वल आखिर पासे ओ आपे मल खलो रहमत पहले बनी कदू बनी शबे मेराज जब मेरे नबी सिदरा ते पहुंचे तो उन्हें पता जिब्रील रुक गए अर्ज की सोनिया अगर एक कदम भी होर उठावा तो मेरे पल जल पल पर जल जाते तो तुसी जाओ उन जिब्रील ने रोकिया नहीं ये नहीं आख्या मैं नहीं जा सकता तो तुसी किवें जा सकते हो
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਟੁਰੇ ਨਾ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਇੰਜ ਮੁੜ ਕੇ ਫਰਮਾ ਜੀ ਜਬਰੀਲ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਫਰਮਾ ਲਗਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸ਼ਾਜੀ ਜੇ ਦੋ ਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਜੀ ਜਬਰੀਲ ਇਹ ਲਗੇ ਜਾਓਗੇ ਫਰਮਾ ਲਗਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਜ ਦੋ ਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਲਗੇ ਜਾਓਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਜਬਰੀਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਜਬਰੀਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹਾਮੀਮ ਦੇ ਕੁੰਡਲਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਪੰਜ ਅਰਬ ਤੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿਦਰਾ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੱਕੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਹੇਰ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਆਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾ ਜਬਰੀਲ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਰਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਖਦ ਸੀ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮਦ ਸੀ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਪਸਾਰਾ ਕਲਬ ਨਿਆ ਇੱਕ ਆਖਦ ਸੀ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮਦ ਸੀ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਪਸਾਰਾ ਕਲ ਬਣਿਆ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ ਜਾਣਨ ਆਦਮ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਕਲ ਬਣਿਆ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ ਜਾਣਨ ਆਦਮ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਕਲ ਬਣਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਆਲਮੀਨ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ ਹੋਵੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਹੋਵੇ ਆਲਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਰਹਿਮਤ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਅੱਲੇ ਲਾਲ ਅਮੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਹੋਵੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਆਲਮੀਨ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਤੇ ਅਗਰ ਮਾਜ਼ੱਲਾ ਅਲ ਯਾਦ ਬਿੱਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕੌਣ ਪਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਅਚਾਨਕ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨਗੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਓ ਵੇਖੋ ਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚਾ ਕੇ ਆਖੇ ਜੀ ਬਟਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਖਣਗੇ ਮੀਟਰ ਵੇਖੋ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ
ग्रिड स्टेशन फोन किया, उन्हें आख्या जी ग्रिड स्टेशन च खराबी हो गई। अच्छा, ग्रिड स्टेशन च खराबी हो जाए, उत्थे लाइट खत्म हो जाए या कोई मसला बन जाए, जब तक वह ना ठीक होगा लाइट नहीं चलेगी। और अगर फोन करके पता किया कि ग्रिड स्टेशन भी ठीक है, ट्रांसफार्मर भी ठीक है, कनेक्शन उतर गया, और जो कनेक्शन सी ना किसी ने तार कट दी थी, फिर भी लाइट बंद, कनेक्शन लगा देता फिर भी नहीं चली, पता करो। आख्या जी बल्ब फ्यूज हो गया। अगर ते ग्रिड स्टेशन च लाइट होवे ते बल्ब भी फ्यूज होवे या कनेक्शन कटिया जावे ते लाइट नहीं चलती, मेरा नबी रहमत लिल आलमीन रहमत दा ग्रिड स्टेशन ते यार जी उत्थे लाइट ना होवे ते आ जड़ी तेरी मेरी जिंदगी दी रहमत दा निजाम पे चलदा है, ये किवें पे चलदा है। जे कोई आखे नहीं जी मैनू नहीं मिलती, तो या तो तेरा मदीना नाल कनैक्शन टुट गया, तो या तेरे ईमान का बल्ब भी फ्यूज हो गया है। अपना कनैक्शन मदीने जोड़ के रख, रहमत जिंदा है, थाइयों ते कायनात दा निजाम पिया चलदा है, क्योंकि रहमत लिल आलमीन है, सारे आलमीन रहमत मुस्तफा दी जात पे बन दी है। होर आसान कर देवा, आसान कर देवा, सारे नु समझ आ जाए। मेरे आका दी बारगाह च इक पेंडू गुजरिया, ते पेंडू गुजरदा गुजरदा कहंदा मुहम्मद नबी ओ, फरमा जी सच्चे, फरमा सच्चा। कह लगा जे नबी तो कोई मौजदा वखा, मुस्कुरा के मेरे करीम ने फरमाया मैं मौजदे लैके तो नहीं आया, मैं बन के मौजदा आया। अल्लाह ने किसी नबी नू एक, किसी नू दो, किसी नू तीन, हजरत मूसा नू सब तो ज्यादा, मुफ्ती अहमद यार खनैमी गुजराती ने लिखा नौ मौजदे दिते सब तो ज्यादा। अच्छा, जिन्होंने सब तो ज्यादा दिते उन्होंने नौ, पर जो आई ना तेरे मेरे माही दी वारी, अल्लाह ने फरमा सुने बुरहानुम मिर रब्बिकुम, असा तेन बना के मौजदा भेजे। पेंडू कह लगा मौजदा विखाओ, मेरे नबी ने फरमा तू अपनी मर्जी का मांगना असी विखा दें। पेंडू बड़ा सादा, अबू जाल एडा सियाना के जदों घरों निकलता ना तो कैंकरियां मुठी च लैके आ तैयारी करके आ, आके मेरे नबी नू कहंदा जे नबी ते दस मेरी मुठी च बोलो की है। उन सवाल दे बेची जवाब है, उमती शाह जी कलमा पढ़ के कहंदे नबी नू दीवार दे पिछे दा नहीं पता, ते अबू जाल की कहंदा, कहंदा जे नबी है ते दस मुठी विच, इना ते पता अबू जाल नू भी है सी नबी दस लैंदा मुठी विच, कहंदा जे नबी है ते दस मुठी विच की है। मुस्कुरा के हजूर ने फरमाया ये कदी नबूवत हुई कि मैं दसा मुठी च की है। कह लगा फिर नबूवत किनू कहंदे ने, फरमाया नबूवत एवें ना जो मुठी विच ओ दसे मैं कौन हाँ। अबू जाल हास के कह लगा जो मुठी विच ये तो बोलदा ही नहीं। हजूर मुस्कुरा के फरमाया लै फिर अज पिया बोलदा ही। अबू जाल ने जदों मुठी लाई ना कन दे नाल, मौलाना रूह फरमा दे ने कि मुठी दे विच कैंकरियां, ते अबू जाल कहंदा हाथ मेरा मुठ्ठी मेरी कब्जा मेरा कैंकरियां मेरिया, ते कलमा मुहम्मद दा पढ़ के मैनू ही पियां पुछ दियां है ते असी भी पत्थरियां, पर तू होरे किवें दा पत्थर है, तेनू कमली वाले दी समझ ही नहीं पई आउंदी, ओ तू होरे किवें दा पत्थर है। सुम्मा कसत कुलूबकुम मिन बाद ज़ालिका फाहिया कल हिजारती औ अशद कसवा, पत्थरा नाल भी अल्लाह फरमांदा सख्त दिल। अबू जाल ते घरों तैयारी करके आंदा ना पेंडू सादा, तैयारी करके नहीं आया। कह लगा मौजदा वखा, हजूर फरमा मांगना, उन्हें एदा ही भाई देखा की मंगा की मंगा। वो सामने एक दरख्त बबूल का किकर का दरख्त, इस तरह दरख्त की ऊंचाई वाल वेख के हजूर नू कहन लगा जे कदे ओ दरख्त नू बुलावे ना, वो दरख्त चल के तेरी बारगाह च आवे, सजदा करे, कलमा पढ़े ते मुड़ वापस जावे ते मैं भी कलमा पढ़ लवांगा। हजूर ने इस तरह करके दरख्त वाल वेख्या, हजूर ने फरमा जे मैं बुलाया तो उन्हें आ जाना है। फिर तो आखेगा दरख्त ने मुहम्मद ने पहले एक गठ जोड़ करके रखी सी, ते तुसी सुभान अल्लाह हो रौला बोलो, नजर बिल्कुल ना लग जाए तुहानू किधर है, ते हाथ नहीं चुकना मत किधर कोई शहीद ना हो जाए। अजे ते मैं शुरू हो रहा, अजे मैं तुहाडा मिजाज समझ रहा, तुसा किवें दे तकरीर सुननी है। हुण मैं आए थे पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह, इहदे ते पैरा देना क्योंकि मेरा मिजाज ही है। ये दरख्त बड़े आशिक रसूल होंदे ने,
हजरत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह फरमाते ने मैं एक दिन बाग च गया ते मैं वेख्या फलदार दरख्त टहनियां लटक रही ते विच एक सरू दा बूटा ते सीधा ही अकड़ के खलोता जिहड़ियां फलदार टहनियां आउंदियां ओ झुकियां आउंदियां ते जिन्हां नूं फल नहीं ना लगदे ओ तुसां वेख्या दरख्त बड़े अकड़ के सीधे खलोते आउंदे ने बंदे भी कोई एवें दे ही आउंदे ने और आसान कर देव इंसान सीढ़िया चढ़ता हो पहाड़ से चढ़ता हो ना तो इंसान झुक के चढ़ ऊंचाई से चढ़े तो झुक के चढ़ जो इंसान उतरद तो जरा अकड़ के उतरना पैदा है जो किसी ने वेखो ना कि झुकया है तो समझो उत्ते जा रहा है जो किसी ने वेखो ना अकड़िया तो समझो ये फना वाल जा रहा है ये बका वाल नहीं फना वाल जा रहा है ताइयों ते हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह पाक पतन दे दूल्हे ने फरमाया आ फरमाते ने मैं अपनी नू मार के ते दूवीं हथी कुट मैं अपनी नू मार के ए मैं किए तुसा लोगों को जुमला सुने आवेगा लत टुट गई शुक्र मैं बच गया उंगली उतर गई शुक्र मैं बच गया अख निकल गई है शुक्र मैं बच गया जड़ी बच गई है ना कदे ओ मर जाए ना ते समझ सारा कुछ ही बच गया है ओ मर जाए जड़ी रह गई है कदे ओ मारे ना बाबा फरीद फरमाते ने मैं अपनी नू मार के ते दुमी हथी कुट फिर भरे खजाने रब दे फरीदा दुमी हथी लुट पर शर्त एवे मैं अपनी नू मार दरख्त झुके मियाँ साहब फरमाते ने बेच सरू का बूटा तो मैं करीब जाके आख्या तेरी बरादरी झुक के खड़ी तू बड़ा आकड़ के खलोता है तो फरमाते ने सरू के बूटे जो आवाज आई मुहम्मद बख्शा इन्हों यार मिल गया मैनू उड़ीकां लगिया हुई ने उस दरख्त के नाल टेक लगा के फिर मियाँ साहब ने शेर लिखिया आ फरमाते ने सरू आजाद हैरान खलोता पैर जमीन विच गंडे उच्चा हो रस्ता वेखे मता यार कितों सिर कढ़े उड़ीकां वाले उच्चे होके दरख्त बड़े आशके रसूल होंदे ने हजूर ने फरमाया मैं बुलाया उन्हें आ जाना है उन्हें आख्या फिर किवें बुलाइए हजूर ने फरमाया तू जा कह लगा मैं की करा फरमाया उन्हें जाके ना मेरा पैगाम देवी तो उन्हें कहवी तेनों कमली वाले पे बुलांदे ने पेंडू हास के कह लगा लो दरख्तों कोई मेरे आखे लगता है हजूर ने फरमाया तेरे आखे तो नहीं लगता पर अज तू मुहम्मद का डाकिया बन के जाना है ना नौजवानों ने पेंडू दरख्त वाल लगा जा रहे हो कदे पेंडू दरख्त वाल वेखदे कदे नबी वाल वेखदा है कदे दरख्त वाल कदे कमली वाले वाल वेखदा है दरख्त के करीब जाके पेंडू ने लब दरख्त दे नाम लगाए एक बारी दरख्त दी ऊंचाई वाल वेख्या ते दरख्त नूं कहण लगा दरख्ता तेनू ओ सोना पिया भुलांदा सोना पिया बुलांदा आई हदीसे पाके जांदा दरख्त ने सुनिया है जे झुकिया जिवें दौड़न तो पहले इंसान झुकदा है दरख्त एक बार सामने झुकिया एक बार पीछे झुकिया एक बार दाएं ते बाएं झुकिया दरख्त ने अपनी शाखा जमीन च उखेड़िया दरख्त इंज दौड़िया जिवें इंसान दौड़दा है दरख्त अगे अगे जा रहा हो पेंडू पीछे पीछे आ रहा हो पेंडू कहन लगा दरख्ता मैनू नाल लै जाओ दरख्त कहन लगा तू आराम ना लिया मैं जल्दी जाना है मैनू कमली वाले बुलाया जिन्होंने समझ आई वो बोले भला सुभान अल्लाह अजदा उम्र का टिकट निकल वेखी जे कदे उहदी खुशी हज की दरखास्त मंजूर होवे ते पूरे मोहल्ले च मिठाई बनदा कहिंदा मैनूं हजूर ने बुलाया ते जिन्हों पता लगे वो सामने हजूर पे बुलांदे ने दरख्त चल के आया तो उन्हें आके ना सजदा किया कलमा पढ़िया पेंडू पेंडू हजूर वाल वेखी जाए तो हजूर पेंडू नूं फरमांदे ने चल हुण पढ़ कलमा
कह लगा अजय नहीं। हजूर फरमा कि कह लगा ए, 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 ए वापस भी जाए हूँ तो मेरे वाल वेखना तो यह गल समझ आनी है। उन्हें आख्या ना जो ये दरख्त वापस भी जाए इस तरह ना मेरे नबी ने अख का इशारा ही किया मुंह नहीं बोले बस इशारे अबरू किया पंजाबी च सादा करके आखा दरख्त इंज पौंदे पैरी टुरिया कि उन्हें यार नू पिछा भी नहीं किया। एवें नहीं हज़रत ख्वाजा यार मोहम्मद फरीदी रहमतुल्लाह अलैह आप ही इरशाद फरमाते ने दो अबरू यार दे खमदार बाबा। हजरत मौलाना मुहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने दो अबरू यार दे खमदार बाबा। तिखी तलवार जौहरदार वाबा फरमाते ने अबू बकर उमर उस्मान हैदर नबी दे हिल चारे यार वावा नबी दे हिल चारे यार वावा। अबरू का इशारा किया जी आखो तो मैं आला हज़रत की ज़ुबान च ये अबरू सुनावा तुसी नहीं बोले फिर कदे सुना लवांगे कीड़ी जरूर एडा ढिला मैं मजमा कदे रहन नहीं दिता पर सच्ची गल है कि मैं आज आप लुत्फ लेना चाहना पाया मैं आप लुत्फ लेना चाहना इस वास्ते मैं चाहना तुसी ना छिड़ो बेशक मगर मैं तो छिड़ गया अलहमदुल्ला मेरी तार जुड़ गई। आला हज़रत जदों गए ना इस अबरू वाल आला हज़रत फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा देने काफ के सू या अबरू आँखें ऐन साद काफ के सू या अबरू आँखें ऐन साद। खतीबाना मेरा काम है समझा के जाना मैं की पढ़िया मैं पहले समझा लवा। आला हजरत फरमांद ने काफ गेसू कुराने मजीद दे चना काफ हा या ऐन साद इन कहते ने हरूफे मुकत्तात इन्हों का तर्जमा कोई नहीं जिबरील भी समझ नहीं सी आई इस बई नल्ला ही रसूल अल्लाह के रसूल के राज दिया गल्ला ने तुसी कुराने मजीद कोई भी तर्जमा उठा के वेख लो अलिफ लाम मीम की जगह अलिफ लाम मीम ही लिखा होगा काफ हा या ऐन साद की जगह काफ हा या ऐन साद ही लिखा होगा एदा तर्जमा किवें कीता आरे बिल्ला हजरत आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते ने काफ गेसू काफ होंगी ना डंडे वाली आला हज़रत फरमाते ने एक काफ है मेरे नबी दी ज़ुल्फ ए इस तरह करके जिवें छोटा जिहा विच कुंडल है ना आप फरमाते ने काफ गेसु हा दहन ए हा की है छोटी हा उहदी ना गोल ए छोटी आला हज़रत फरमाते ने काफ गेसु हा दहन हा जिहड़ी हे वे ना वह मेरे महबूब दा आ गोल दहन या अबरू मैं गल अबरू दी छिड़ी सी या अबरू आ जिहड़ी छोटी या है ना अरबी दे अंदर छोटी ये आ फरमांदे ने ए मेरे नबी दे आ भवां ने आ अबरू ने ए इस तरह खामदार है फरमांदे ने या अबरू आंखें ऐन साद ऐन लिखिए ते ऊपर अख बनानी पैंदी है ते स्वाद लिखिए ते फिर भी अख बनानी पैंदी है आ फरमांदे ने एक अख ऐन है ते एक स्वाद हूं तो समझ आवे की पढ़ रहा। आला हज़रत फाज़िले बरेलवी फरमाते ने काफ गेसू हा
दहन या अबरू आंखें ऐन साद एक आफ के सो हादहन या अबरू आंखें ऐन साद और काफ हाया ऐन साद उनका है चेहरा नूर का और काफ हाया ऐन साद उनका है चेहरा नूर का। नौजवानों मेरे नबी ने दरख्त नु इशारा किया, इशारा भी अख दे किया, दरख्त पौंदे पैरी टुरिया ते दरख्त अपनी जगह ते जाके लग गया। ए मैं हदीस क्यों सुनाई है, किसी भी दरख्त दे कोल जाके उन्हें आखो फलां बंदा तेनों बुलांदा वो टुरेगा? बोलो, दरख्त विच अकल नहीं होंदी, दरख्त गैर ज़बिल अकूल अकल नहीं होंदी, समझन दी ताकत नहीं होंदी, दरख्त दे पैर भी नहीं होंदे कि टुरे, कान भी नहीं के सुने, दरख्त दी ज़बान भी नहीं होंदी के बोले, पर हदीसे पाके चाहुंदा दरख्त ने सुनिया भी समझिया भी टुरिया भी सजदा भी कीता ते कलमा पढ़िया ते बोलिया भी। वो किवें बोलिया, किवें समझिया, किवें दौड़िया, क्यों दौड़िया, वजह की है। आसान करके अर्ज करा, आ मेरा हाथ भाई सारे देखो, मैं इनकी तकरीर कदे की नहीं है, मेरे मिजाज दी नहीं, मगर मैं अर्ज किया, मैं अपना रांझा राजी कर रहा, ए मेरा हाथ है, इस हाथ विच कोई अखियां हैं, अकल होवे के समझ आए, इदी जुबान होवे के बोले, या पैर होवे दौड़े, नहीं ना, कुछ भी नहीं, मगर मैं इस हाथ नु हुक्म दे रहा, माइक नु पकड़, इन्हें पकड़ ले, मैं इस हाथ नु हुक्म दे रहा कि मेरे सर ते आ जा, ए आ गए, मैं इस हाथ नु हुक्म दे रहा इस कुर्सी नु इस मिंबर नु पकड़, इन्हें पकड़ ले, की वजह है? इस हाथ च अकल भी नहीं, समझन दी तौफीक भी नहीं, नजर भी नहीं, बोलन दी ताकत भी नहीं, टुरन दी ताकत भी नहीं, मगर ये चल भी रहा है, मेरी गल समझ भी रहा है, सुन भी रहा है, कर भी रहे, वजह की है? असल वजह ये कि मैं इस हाथ दी जान, मैं जिंदा ते ये भी जिंदा, जे मैं मुर्दा ते ये भी मुर्दा, मैं इस हाथ दी जान। पता चलिया जड़ा जिदी जान होवे उन्हों जो हुक्म करे उन्हों करना पैंदा है। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिलआलमीन, अल्लाह ने फरमाया कमली वाले आलमीन दी रहमत होए, आलमीन दी जान तेनू बना के भेजिया। नौजवान मेरा नबी सारे आलमीन दी जान है, इस बात सारी कायनात मेरे नबी दा हुक्म मन दी है, मेरा नबी कायनात दी जान है, ताइयो चन तोड़ लेंदे सूरज मोड़ लेंदे पत्थरां तू कलमे पढ़ा लेंदे दरख्तां नू तोड़ लेंदे जान मेरा नबी है। आ जड़ा कायनात दा निजाम पे चलदा है ना, पता लग गया जान जिंदा है। आला हजरत ने फरमा जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अबू जाल मिलिया मेरे नबी नु मक्के दी गली च, कहन लगा मुहम्मद जे तू सच्चा भी नबी है ना ते मैं तेनू नहीं मानदा, अपने रब ना कर गल ते मेरे ते पत्थरां दी बारिश करा। कहन लगा अज मेरे ते करा ना नाजल को अजाब नाजल करा। ए इंज मेरे नबी आसमान वल वेख्या ते अर्ज कीती है या अल्लाह, ए ए ए ए कहंदा पत्थरां दी बारिश करो, ए कहंदा अजाब नाजल कराओ जे सच्चे हो। उतू जवाब की आया, पढ़ा कुरान। मैं तुहानू दसना चाहना जे तुहानू सवेरे को पूछे ना मिलाद मनाउणा कित्थे लिखे, लड़ना नहीं, लड़ाई नहीं करनी। वह हजरत बाबा फरीद को माई कंघी लैके आई तोहफे च, बाबा फरीद ने कबूल ना की, तो माई नुकरे बह के रोन लग पई। बाबा फरीद फरमाते ने बीबी रो ना ते जा सुई लैके आ। माई सुई ले आई तो बाबा जी ने कबूल कर ली।
मुरीदा अर्ज की थी, बाबा जी कंघी महंगी सुई सस्ती, कंघी नहीं ली तो सुई क्यों ली? पर मैं कंघी वखो वख कर दिए सुई जोड़ दिए। फकीर वख नहीं करता, फकीर जोड़ दे। फकीर का काम आता जोड़ना। मेरे साइया मैंने जोड़ना सिखाया। मैं तुहानू वखरा करन नहीं आया, मैं आया नबी पाक की उम्मत नू जोड़न वास्ते। मेरा इरादा है मेरा लड़ना नहीं। जो को पूछे मिलाद मनाना कितने लिखे, उन्हें फरूट की दुकान पर लै जाओ तो खड़ा करके कहो इतने सारा दिन खलो के वेख भला कोई एक गाहक भी इंज का आंदा है? जिहड़ा दुकानदार नू कहे पैसे पूरे ले लो तो अ दुकान से जिन्ना गलिया गलिया तो सड़िया सड़िया फरूट है ना मैनू दे दिओ, कोई आवेगा? नहीं ना। असी तो दस दर्जन केले लै लईए ना तो दुकानदार विच एक गलिया केला पा दे, असी वो केला दुकानदार नू वापस करके कहने मैं पैसे पूरे दिते ने, सौदा खरा लैना है। यार तू तो दसा दर्जना च एक गलिया केला कबूल ना करे तो उस नबी का मिलाद मनावन नू तेरा जी नहीं करता जिन्हें तेरे मेरे वर्गे सारे गले साडे चोली पा ले ने ते आख्या गंदे मंदे मैनू दे दे, ये मैनू दे दे। मैं करम की निगाह करके इन्हों इंज का बना देव, गा के नबी भी इन्हों शामिल हो दिया दुआवा ही करया करनगे, होर आसान कर देव। यार एमा वाले च बंदा आखिर ते आवे ते उन्हों बैठन की जगह कितने मिलेगी? आखिर ते ना ते तू नबी का मिलाद नहीं मनाउंदा, आया तू सारिया उम्मतां तो बाद च ते जन्नत च तू सारे तो पहले जाना है। अजे भी पूछना नबी का मिलाद मनाउणा कितने लिखे है? रब्बे काबा की कसम है अल्लाह ने तेनों उम्मतां दी तस्वीर च इंज रखे है जिवें तस्वीर दे विच मेहराब होंदा है, हैं ओ जिवें तस्वीर च इमाम आउंदा ना इंज अल्लाह ने उम्मतां दी तस्वीर च तेनों रखे है। ते आसान कर देवां, अल्लाह ने तेनों उम्मतां दी महफले च इंज रखे है जिवें महफले च मेहमान खसूसी होंदा है। तो अजे भी पूछना मिलाद मनाना कितने लिखे है? उस रहमत लिल आलमीन का मिलाद मना जिन्हें तेरे मेरे गुनाहों ते पर्दे पा के रखे ने, पर्दे पा के रखे। बनी इसराइल मछलियां पकड़ते सन, अल्लाह फरमा हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नियां, अदब करना है। क्योंकि अल्लाह ने मुसलमानों ने जुमा यहूदिया हफ्ता ईसाइयों को इतवार का दिन दिता है। हजूर ने फरमा जुमा मुसलमाना दी ईद का दिन है। यहूदे मछलियां पकड़ते सन, अल्लाह ने फरमा मछेरे हो मछलियां नहीं पकड़नियां हफ्ते वाले दिन। तो उधर मछलियों नू हुक्म है तुसा दरिया च जाना भी हफ्ते वाले दिन है। दरिया च इतनियां मछलियां हफ्ते वाले दिन आदियां कि जदों मुँह पानी चो निकाल के बाहर खादियां ना तो मछेरे के दिल डोलते हैं कि इनिया मछलियां तो पकड़नियां भी नहीं। अलामा अब्दुल गफार साहब इतने मुफ्ती अहमद यार कनीमी बड़ी मुहब्बत की बात लिखी, आप फरमाते ने जी मछली के पेट च 40 दिन यूनस नबी रहे सन, हफ्ते वाले दिन मछलियां उस मछली की जियारत कर सन। इतने सुबहान अल्लाह आख्या जे वो यार जी मछली के पेट च 40 दिन यूनस नबी रवे मछलियां उसकी जियारत कर आदियां ने, तो उस माँ की फरिश्ते जियारत कर नहीं आते हो जिदे शिकम च 9 महीने कमली वाला वस के आया है। यहूदी जदों दरिया के किनारे गए तो इन्नियां मछलियां वेख के परेशान हो गए, पकड़नियां भी नहीं। सियाने मशवरा दिता कि इंज करो दरिया च छोटिया छोटिया नालियां बना के अपने घर तक ले आओ, अपने घर च टैंकियां बना लो, हफ्ते वाले दिन मछलियां नालियां के जरिए टैंकियां जाके भर जावनगियां तो इतवार को पकड़ लवेंगे। ऐने ही इस तरह होया कि हफ्ते वाले दिन मछलियां उन्होंने नालियां के जरिए उन्होंने घर तक आ गई, टैंकियां तो हाउस भर गए। यहूदी बड़े राजी कि हफ्ते का अदब भी कर लिया, मछलियां कट्ठिया भी कर लिया, इतवार नूं पकड़ भी लवेंगे। मगर जो ही इतवार का दिन तलू होया वो जेडे रब के हुक्म ना मछलियां इधर आई सन उस रब के हुक्म नाल वापस लौट गई। अल्लाह की कुदरत नूं जलाल आया, इन्हें मेरी हुक्म अदू लिखी थी, मेरी गल नहीं मनी। अल्लाह ने रिजा फरमा कोनो की रादा तना खासी, परवरदिगार ने फरमा बंदर बन जाओ। यहूदियां दियां शक्लां बिगड़ गईयां, कुछ बंदर बन गए कुछ सूर बन गए। नौजवान जब कम तो घरे आउंदे हो शाह वेले अपने कमरे दियां इन्हां दे सामने खलो जाया करो, अखियां बंद करके सोचया करो मैं पिछली उम्र केड़े गुनाह करदा रहा, बचपन च केड़े गुनाह करदा रहा, मैं जवानी च केड़े गुनाह पिया करना, मैं बड़े पेज केड़े गुनाह पिया करना, सारी जिंदगी दे गुनाह याद करके अख खोल के आईना वेख
जे तेरी सूरत अजे भी नहीं बदली फिर मुहम्मद मिलाद मनाया कर क्योंकि रब तेरे वल नहीं पिया वेखदा इते यार नु यार दा मुंह पिया मारदा सुभान अल्लाह उन्हें मछलियां पकड़ लिया रब बंदर बना देते इतने 70 साल गुजर गए गुनाह कर दिया दाढ़ी चिट्टी हो गई पर शक्ल नहीं पी बदल दी ये रहमत नहीं सोने दी क्योंकि रहमत अल्लिल आलमीन है ना यार अबू जाल ने आख्या पत्थरां दी बारिश करवा पत्थरां दी बारिश करवा जे नबी है मेरे नबी इंज वेख के आख्या जी ये कहंदा जे नबी हो ते पत्थरां दी बारिश कराओ उत्तू जवाब की आया पढ़ा कुरान मैं तुहानू पिछली बारी इंज दा ते नहीं सा छड़ के गया हाथ जड़ा नहीं ना चुकदा नाल दा बंदा सहारा कराओ भाई थोड़ा होर जोर लगाओ अल्लाह ने रिजा फरमाया फामती रालई ना हिजा रतम मिन समाई अभी उतना भी अजाब अलीम वमा कान अल्लाह लियुअज्जिबहुम वअंत फीहिम अल्लाह ने रिजा फरमाया कमली वाले आओ एदियां करतूतां ते इंज दियां ने दे पत्थरां दी बारिश कर देवा एदे ते अजाब नाजल कर देवा पर कमली वाले किवें कर देवा मक्के च वसदा तू तेरे होदिया पत्थरां दी बारिश आ जाए तेरी रहमत दी चादर ते दाग लग जांदा तेरी रहमत दी चिट्टी चादर ते दाग किवें ला देवां।